हाय दोस्तों, आपने क्लिक किया जूडी टेक जीनियस पे और यहाँ हम बात करते हैं बहुत ही यूनिक और वायरल गैजेट के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो ऐसे पेन लेकर आया हूँ ना, जो आपकी क्रिएटिविटी को खोद खोद कर निकालेगी। तो चलो मैं अपनी बकवास बंद करता हूँ और वीडियो को करता हूँ शुरू। ये है एक 3D पेन। सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें आपको मिल जाता है एक PLA प्लास्टिक और एक पेन और साथ में एडेप्टर, उसके बाद पेन होल्डर। सिंपली इसके साथ आपको ये PLA प्लास्टिक मिल जाता है। इसके अलावा आप ABS प्लास्टिक भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आपको सिर्फ PLA ही मिलता है जो कि कलरफुल होते हैं। सिंपली आपको इसको पेन के अंदर डालना है और इसके नीचे वाले एरो को प्रेस करना है। उसके बाद ये पिघल कर निकलना शुरू हो जाएगा और आप इसे यूज कर पाओगे। और जब आपको इसे निकालना हो तो सिंपली इसके ऊपर वाला बटन दबाए, जिससे ये PLA प्लास्टिक बाहर तरफ निकलने लगेगी। इसके वेट की बात करें तो ये 60 ग्राम का है। इसमें आपको 0.7 mm का डायमीटर मिल जाता है। प्लास्टिक फिटिंग की बात करें तो 1.75 mm डायमीटर का मिल जाता है। ये एक 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकता है। ये पेन ज्यादातर आपके बच्चे, किड्स या फिर आप भी यूज कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, और अलग अलग तरह की चीजें आप इससे ड्रॉ कर सकते हो। इसके साथ आपको कुछ इस तरह की बुक भी मिल जाती है, जिस पर आप अपने बच्चों के द्वारा इस तरह के 3D पेंटिंग या ड्रॉइंग्स ड्रॉ करवा सकते हो। आई थिंक बच्चों के लिए काफी अच्छा गिफ्ट, और साथ में बड़े भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, जैसे कि आपने YouTube पर इस तरह की वीडियो देखी होगी। ये है सरफेस राइटिंग इनग्रेव पेन। दोस्तों, ये एक ऐसा पेन है जिसकी मदद से आप दुनिया के हर सरफेस पे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, चाहे फिर वो सरफेस वुडन का हो, मेटल का हो, प्लास्टिक का हो, लेदर ग्लास का हो या फिर किसी भी तरह का मटेरियल हो। हर मटेरियल पर इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से कुछ भी लिख सकते हो या फिर कुछ भी बना सकते हो। बेसिकली इस पेन के साथ आपको दो निब मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप सभी सरफेस पे लिख सकते हो। एक आपको पतली निब मिल जाएगी और एक दूसरी थोड़ी मोटी। इसमें सिंपली आप दो साइल डालकर इसे ऑपरेट कर सकते हो, और इसकी मदद से आप ग्लास या फिर अपने बर्तनों पे डिजाइन बना सकते हो, या फिर शादी ब्याह में अक्सर हमारे बर्तन खो जाते हैं, ऐसे में वहाँ पे भी आप नाम लिख सकते हो, या फिर चाहे स्केल क्यों ना हो स्टील का, उस पे भी आप लिख सकते हो। लेकिन इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, ये बैटरी वाली है। आप जब इसे ज्यादा दबाते हो तो इसकी मोटर रुक जाती है, और हल्के हाथ से करते हो तो सही ढंग से बैलेंस नहीं बन पाता। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज के लिए लोगे तो ये परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दुनिया के हर सरफेस में बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल लेवल पर अपनी क्रिएटिविटी निकाल के दिखानी है, तो आप इसकी जगह इलेक्ट्रिक पेन का भी यूज कर सकते हो, जो कि बिजली से चलता है, और इसके साथ भी आपको दो निब मिल जाते हैं। इसमें आपको 9 स्टेप स्टॉक एडजस्टमेंट भी मिल जाएगा, और ये 230 वोल्ट का पेन होने वाला है। इसका ग्रिप भी काफी आपको सॉफ्ट मिलेगा और कम्फर्टेबल। इस पे आपको 10 डे का रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगा, अगर पसंद ना आए तो वापिस भी कर सकते हो। और इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है, जो कि 4.0 की है, और जो हमारी बैटरी वाली है उसकी भी रेटिंग 3.8 की है, जो कि ठीक ठाक है, और इस पे भी आपको 10 डे का रिप्लेसमेंट मिल जाता है। तो ये भी पसंद ना हो तो ये भी वापस कर सकते हो। मैं नीचे दोनों के लिंक दे दूंगा। अगर आपको एक नॉर्मल यूज के लिए लेना है तो आप बैटरी वाली ले सकते हो। अगर आप एक क्रिएटर हो और प्रोफेशनल लेवल पर आर्ट बनाना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रिक की तरफ ही जाएं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के काफी यूनिक और अलग पेन। आई होप इनमें से आपको कुछ ना कुछ जरूर पसंद आएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे यूनिक और वायरल गैजेट के लिए।